सिगरेट के डिब्बों पर लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ और कुछ इस टाइप की फोटोज भी छपी रहती है। और जब भी आप कोई पिक्चर देखने जाते हैं तो उसमें स्टार्टिंग से पहले भी आपको बताया जाता है कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी लोग क्यों सिगरेट को पीते हैं। और भारत में इतनी सारी सरकारें बदल गई लेकिन किसी भी सरकार ने इस पर बैन लगाने के बारे में सोचा तक नहीं। इसके पीछे क्या कारण है और लोग चाहकर भी सिगरेट को क्यों छोड़ नहीं पाते? क्या हमारी सरकार नहीं चाहती कि आप लोग सिगरेट छोड़ दे? देखिए, जितनी ये बातें आसान लग रही हैं उतनी है नहीं। इंडिया इश्यूज अ स्टेटमेंट ऑन द इंसिडेंट ऑफ अ पैसेंजर कॉट स्मोकिंग ऑन बोर्ड अ लंदन मुंबई फ्लाइट एंड देन मिसबिहेविंग विद को पैसेंजर। कर्ब सर्कमवेंशन ऑफ ड्यूटी सिगरेट्स National Calamity Contingent Duty on specified cigarettes. New Zealand has enacted a new type of ban on tobacco. In a global first, the nation has banned tobacco for all future generations. देखिए, सिगरेट क्यों बैन नहीं होता उसको जानने से पहले हम सिगरेट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसका इतिहास और उसकी शुरुआत कैसे हुई। साल 1880 में 24 साल के एक आदमी ने, जिसका नाम ड्यूक था, उसने सबसे पहले सिगरेट को इन्वेंट किया। उस टाइम पर सिगरेट का कोई ज़्यादा बड़ा बिजनेस भी नहीं था। उस टाइम पर ड्यूक अपने हाथ से बनाकर सिगरेट बेचा करते थे। नॉर्थ कैरोलिना के डरहम शहर के कुछ लोगों ने मिलकर ड्यूक ऑफ डरहम के नाम से सिगरेट की शुरुआत की, जिसके दोनों किनारों को मोड़कर सील किया जाता था। उस टाइम पर लोग हाथ से बनी सिगरेट को पीना पसंद नहीं करते थे, लेकिन 2 साल बाद ड्यूक ने एक यंग मैकेनिक जिसका नाम बोनासेक था उसके साथ काम किया। बोनासेक कहता था कि वह सिगरेट को मशीन से प्रोड्यूस करेगा। ड्यूक को उसकी बात में एक अच्छा बिजनेस लगा और फिर उन दोनों ने साथ में कोलैब किया और साथ में ही सिगरेट बनाना शुरू कर दिया। ड्यूक मानते थे कि लोग हाथ से बनी छोटी बड़ी सिगरेट की बजाय मशीन से बनी एक ही साइज़ की सिगरेट को पीना पसंद करेंगे। साथ ही वहीं ड्यूक जहां हर रोज़ हाथ से सिर्फ 200 सिगरेट ही बना पा रहा था, मशीन के आ जाने से वह 1,20,000 से ज़्यादा सिगरेट बनाने लगा हर दिन। और ऐसे स्टार्ट हुआ सिगरेट का बिजनेस। देखिए, सिगरेट जो है वो एक प्रकार के पौधे से बनाया जाता है जिसका नाम टबैको है। टबैको के पत्तों को सुखाकर और उसमें करीब 7,000 से ज़्यादा केमिकल्स को मिलाकर सिगरेट के लिए तैयार किया जाता है। तंबाकू एक तरह का मीठा जहर है जो कि निकोरियम टैब कैम के एक पौधे से बनाया जाता है। ये एक तरह का धीमा जहर है जो आदमी को धीरे धीरे ख़त्म करता जाता है। सरकार शायद नहीं जानती, जितना कि वह तंबाकू से कमाती है उससे ज़्यादा तो हर साल तंबाकू से होने वाली बीमारियों पर खर्च हो जाता है। इंडिया पूरी दुनिया में तंबाकू का प्रोडक्शन करने वाला 3रा देश है। इंडिया में तंबाकू से सिर्फ सिगरेटें नहीं बनाई जाती, इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे तंबाकू वाला पान, पान मसाला, मैनपुरी तंबाकू, खैनी और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। देखिए, जब लोगों को पता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है और सिगरेट के डिब्बों पर ऐसी पिक्चर्स भी होती है, फिर भी लोग चाहकर भी क्यों सिगरेट को छोड़ नहीं पाते, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है डोपामीन। डोपामीन के बारे में आजकल हर कोई जानता है, फिर भी आपको एक मोटा माटी सा बता देते हैं। डोपामीन एक हैप्पीनेस फील कराने वाला हार्मोन है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने एग्जाम में टॉप किया तो उस टाइम पर जो आपको खुशी होगी वो आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज होने से होगी। लेकिन डोपामीन एक एडिक्शन का काम भी करता है। वो कैसे, आप इस स्टोरी से समझिए। पॉल फिलिप्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैरोलिना में चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक इलेक्ट्रोड को चूहों के दिमाग में लगाया और दूसरे हिस्से को एक लीवर से जोड़ दिया। जब भी चूहे उस लीवर को दबाते थे उनके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता था। तो उन्होंने देखा कि चूहे अपना सारा काम, खाना पीना, घूमना फिरना सब छोड़कर उस लीवर को ही दबाते थे, और जब उन्होंने उस इलेक्ट्रोड को चूहों के दिमाग से निकाला तब उन्होंने देखा कि चूहों का मन कुछ भी करने का नहीं था, उनकी पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। ठीक इसी प्रकार होता है एक सिगरेट एडिक्टेड पर्सन के दिमाग में भी। उसकी दिमागी हालत ऐसी हो जाती है कि वह चाहकर भी सिगरेट को छोड़ नहीं सकता। तो चलिए जान लेते हैं कि गवर्नमेंट सिगरेट को बैन क्यों नहीं कर देती। देखिए, देश के हर एक इंसान को पता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, चाहे वह पढ़ा लिखा है या फिर नहीं, और सरकार भी ये सब जानती है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार सिगरेट पर बैन नहीं लगाती। इसकी 2 सबसे बड़ी वजह है। सबसे पहले रिवेन्यू जनरेटेड सोर्स और दूसरा एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले रिवेन्यू कैसे जनरेट होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए, स्मोकिंग इंडस्ट्रीज अपनी एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टली नहीं करवाती क्योंकि वो अलाउड नहीं होता, लेकिन फिर भी वह बीच में एक ऐसे सोर्स को ले लेती है जिसका उनके प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। इस पिक्चर को देखिए, इसमें राहुल द्रविड़ एक बैट से खेल रहे हैं जिस पर विल्स का लोगो लगा हुआ है। विल्स एक सिगरेट कंपनी है।
अब आप लोगों के दिमाग में बैट और विल्स के लोगों को देखकर ये तो नहीं आया होगा कि यह सिगरेट कंपनी है, लेकिन आप लोगों के दिमाग में विल्स और उसकी क्या काम है वो जरूर छप गए होंगे। वैसे ही इंडिया में काफ़ी सारे स्मोकिंग एडिक्टेड पर्सन्स हैं, अब चाहे सिगरेट के प्राइस 500 रुपये क्यों ना हो जाए वह उसे ज़रूर खरीदेंगे। ऐसे में कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है, अब ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो टैक्स भी उतना ही देना पड़ेगा। स्मोकिंग इंडस्ट्री से हर साल 356 बिलियन इंडियन रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट होता है हर साल गवर्नमेंट को। एक एस्टिमेट के मुताबिक तंबाकू इंडस्ट्रीज 6% कंट्रीब्यूट करती है इंडियन जीडीपी को। और दूसरा कारण एम्प्लॉयमेंट, स्मोकिंग इंडस्ट्रीज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 45.7 मिलियन यानी करीब 4.5 करोड़ से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है, जिससे जो लोग बेरोजगार होते हैं वे आसानी से एक जॉब कर पाते हैं। 2022 में इंडियन स्मोकिंग इंडस्ट्रीज का मार्केट $21.5 बिलियन तक पहुंच गया था। अगर गवर्नमेंट इसको बैन भी कर दे तब भी स्मोकिंग करने वाले लोग नहीं सुधरेंगे, और इसका उल्टा ही होगा, जो रेवेन्यू जनरेट होता था अब वो भी नहीं होगा, और सिगरेट से लोग इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं कि वह उसको कहीं से भी ढूंढ कर निकालेंगे। मतलब सिगरेट की ग्रे और ब्लैक मार्केट शुरू हो जाएगी। अब जितना पैसा सरकार के पास लीगल तरीके से आता था अब वह ब्लैक मनी बन जाएगा, जिसका बड़ा असर जीडीपी पे देखने को मिले। इसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट जीडीपी की परवाह भी ना करते हुए भी सिगरेट को बैन कर दे तब भी इंडिया के लोग इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं कि वह सिगरेट को नहीं छोड़ेंगे। मतलब अगर स्मोकिंग फ्री होना चाहते हैं तो लोगों को ही एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ स्मोकिंग को बंद कर देना चाहिए, जिससे कि धीरे धीरे यह सब कुछ बंद हो जाएगा और तभी देश की तरक्की हो पाएगी। आप सबकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।